सुपर पंजाबी ये फिल्म का नाम है और मेरी सबसे पहले ये दुआ है कि सुपर का लफ्ज़ चूँकि मैंने साथ लगाया है तो अल्लाह करे कि ये फिल्म सुपर डुपर 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 हिट हो। मैं इस फिल्म का राइटर नहीं हूँ लेकिन मैं इस फिल्म को अपनी फिल्म समझता हूँ क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्री की फिल्म है। हर कामयाब फिल्म हर एक के लिए रिस्क लाती है, हर एक के लिए इज्जत लाती है, एतमाद लाती है। सफदर मलक वो प्रोड्यूसर है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है कि करोड़ों का नुकसान करने के बाद भी वो नुकसान करने वालों को सीने से लगा कर देते हैं। इतना हौसला है, इतना शरफ है उनका। और मैं अपने हर प्रोड्यूसर के लिए दुआ मांगता हूँ कि कम अज़ कम 4 से लेकर 6 हज़ार आदमी का रिस्क लेकर आने वाला प्रोड्यूसर ज़िंदा रहना चाहिए। और ज़िंदा वो इसी सूरत में रह सकता है कि उसकी फिल्म कामयाब हो, और उसकी फिल्म इस सूरत में कामयाब हो सकती है कि आप जैसे लोग शायकीन फिल्म जो है जॉब करते हो उस फिल्म को देखने के लिए आए। अगर आप नहीं आएंगे तो हमें परेशानी होगी। मलक सफदर साहब के लिए एक कमाल खूबी है कि वो रिस्क लेने के आदी है। कहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी बड़े बड़े बजट की फिल्में बनाई, कहाँ एक अब उन्होंने एक सुपर पंजाबी कॉमेडी फिल्म बनाई है अपनी फिल्म में फर्स्ट टाइम। और शायद इसलिए बना है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर में हमारे चेहरों से मुस्कुराहट और हमारे दिल की खुशी जाहिर हो चुकी है। आप लोग शायद मेरी तरह और हज़ारों आवाम की तरह परेशान आज के हालात से, बजाय इसके कि आप उस पर पुड़े, आप अपने आप के अंदर एक बीमारी पैदा कर रहे हैं सोच की और परेशानी की। आप सुपर पंजाबी को देखने आ जाए, आप 3 घंटे एंजॉय करेंगे और 3 घंटों के लिए आप अपनी परेशानी से दूर हो जाएंगे और आपके अंदर नई ऑक्सीजन आ जाएगी, जीने का एक नया अज़्म पैदा होगा। और इस दौर में जो लोग मुस्कराते हैं आज खुद वो अजीम हौसले के मालिक हैं कि अपने दुखों को छुपा कर भी मुस्कराते हैं। और इस दौर में जो कोई किसी को हंसने पर मजबूर कर देता है वो कितना बड़ा फनकार होगा। तो जब इफ्तिखार ठाकुर का नाम सामने आता है, नासिर चन्नकी का नाम सामने आता है और भी जो इसके अंदर काबिल नाम वाले लोग काम कर रहे हैं उन पर मुझे भरपूर एतमाद है कि वो आपको हंसाने में बेपनाह कामयाब होंगे। लिहाजा अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप अपने साथ भी एक निकी करेंगे, अपने ऊपर भी एक रहम करेंगे और प्रोड्यूसर के लिए भी आपका आना जो है ये बायस रहम तो होगा। वैसे तो मेरे प्रोड्यूसर की एक कमाल खूबी है कि वो इसको देख कर अक्सर मुझे फिर याद आता है क्योंकि ये हर दौर में फिल्म बना। अपने साथ भी एक निकी करेंगे, अपने ऊपर भी एक रहम करेंगे और प्रोड्यूसर के लिए भी आपका आना जो है ये बायस रहम तो होगा। वैसे तो मेरे प्रोड्यूसर की एक कमाल खूबी है कि वो इसको देख कर अक्सर मुझे फिर याद आता है क्योंकि ये हर दौर में फिल्म बनाता है। इसका फिल्म पैशन है, जज्बा है इसके अंदर या शौक़ है, लेकिन फिल्म के बगैर जैसे इंसान नहीं रह सकता, वो बीमार सा लगता है। फिल्म जब बनाता है तो वो बिल्कुल हैप्पी हो जाता है। तो वो एक शेर इसकी नज़र करता हूँ कि वो तायर जिसके सीने में दिले आज़ाद होता है, वो तायर जिसके सीने में दिले आज़ाद होता है वहाँ कसदन चहकता है जहाँ से याद होता है। ये हर बार एक सयाद के हाथ में अपने आप को दे देते हैं इस उम्मीद पर कि मैं इससे बड़ी कामयाबी के साथ निकलूँगा और अल्लाह करे कि ये इस किस्म के हर सयाद के जहाँ से खुशियों के साथ, कामयाबियों के साथ, मुबारकबादों के साथ